हम चलते हैं लेक्चर नंबर 17-18 की वीडियो 4 की तरफ और वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के इस टॉपिक का टाइटल है CSS ग्रिड लेआउट। तो अभी तक हमने जो लेआउट डिस्कस किए टेबल फ्लोट लेआउट एंड फ्लेक्स। तो ग्रिड लेआउट क्या है? ग्रिड लेआउट जो ग्रिड होता है वो ग्रिड भी टेबल को ही कहते हैं, जिसकी मदद से हम जो लेआउट डिज़ाइन करेंगे पेज का वो रोज एंड कॉलम की शक्ल में डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए CSS में कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले इन लाइन ग्रिड, जो कि आपकी डिव के अंदर मौजूद पोर्शन के अंदर मौजूद डिवीजन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को रो वाइज या कॉलम वाइज उसका लेआउट सेट कर देगा। तो ग्रिड लेआउट क्या है? तो ग्रिड लेआउट के बाद CSS ग्रिड लेआउट इज अ टेक्निक ऑफ कटिंग स्ट्रेचिंग दैट अलाउ द डेवलपर, ये हमें डेवलपर को अलाउ करती है अ वे टू लेआउट अवर वेबसाइट वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम इसकी मदद से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कैसे हम बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वायरमेंट मिलेगी वेबसाइट को, उसके अंदर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी ओपन होती है, लैपटॉप पे भी, टैबलेट की स्क्रीन का साइज कुछ और होता है। तो क्रिएट हम इसको कैसे करेंगे? तो हम ग्रिड की को एज ए कंटेनर यूज करेंगे, डिव को डिव कंटेनर बनाएंगे और उसके ऊपर हम CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ग्रिड इन लाइन ग्रिड एंड फॉर्मुलेट द ग्रिड और डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम बाय यूजिंग द CSS प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि ये आपके सामने एक बॉक्स है, तो ये आपका कंटेनर होगा मेन। ये जो आपका आउटर बॉक्स नजर आ रहा है, ये आउटर बॉर्डर, ये आउटर बॉडी, ये आउटर आपका कंटेनर की डिव होती है इसमें। और ये इसके अंदर ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और हर रो डिवाइड है कॉलम्स में। तो ये आपका रोज एंड कॉलम स्ट्रक्चर होता है ग्रिड का। तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास मौजूद है एक मेन डिव है, मेन डिवीजन है, इसको मैंने नाम रखा हुआ है रैपर की क्लास। तो इसको रैपर लेआउट भी कहते हैं। या आपका जो कंटेनर की जो डिव होती है ना, वो मल्टीपल डिव्स में डिवाइड होती है रोज एंड कॉलम्स में, तो इसको रैपर की डिव भी कहते हैं, रैपर का कंटेनर। इसके अंदर पांच डिव्स और लगी हुई हैं। तो ये इसका एलिमेंट्स आ गए, एचटीएमएल पोर्शन हो गया। अब इसका CSS, तो CSS में रैपर को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो हमारी बॉक्स की डिव्स हैं तो वो सारी किसके अंदर लगी हुई हैं? वो लगी हुई हैं इस रैपर की डिव के अंदर। ठीक है, क्लास रैपर, रैपर की डिव क्लास का रैपर क्लास है। तो ये इसका स्टाइल लिखा हुआ है। तो ये डिव, ये जो लेआउट है, इधर रूल CSS रूल ये क्या बता रहा है कि उस डिव का स्टाइल जो कि डायरेक्ट एलिमेंट है किसका, रैपर का। तो रैपर कौन सी डिव है? ये वाली डिव। ये आपको पता होना चाहिए CSS रूल का तरीकाकार। तो ये स्टाइल किसका है? ये उन सारी डिव्स का है जो कि रैपर की डिव के अंदर लगी हुई है। तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर का रेडियस गिवन है, बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग क्या है, एलिमेंट के अंदर से कैसा कितना फैलाव मिलेगा और कलर क्या होगा। अब आते हैं रैपर की डिव के अंदर। तो जैसे कि हमने एक मेन डिव लास्ट एग्जांपल में देखी थी, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी लिखी थी फ्लैक्स, तो उसने इनर सारी एलिमेंट्स को, डिव्स को क्या कर दिया था, उसका लेआउट सेट कर दिया था जैसा हम चाहते थे।
फ्लोट भी वहीं काम कर रहा था, फ्लैक्स भी। तो अब इसमें हम रैपर की डिव के अंदर जो डिव्स हैं वो कैसे सेट होंगी एज ए लेआउट, तो हम इन मेन दो प्रॉपर्टीज को पहले, तो डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड का मतलब ये है कि ये आपकी, डिस्प्ले ग्रिड का मतलब ये है कि ये रैपर के अंदर जो भी डिव्स होंगी उसको ग्रिड की शक्ल में शो कर देगा। तो इसका आउटपुट देखें, कंट्रोल एस किया मैंने, और या जो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रिड की शक्ल में तो आ गए। तो ग्रिड में ये कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और फर्दर एक कॉलम में डिवाइड कॉलम, ये एक ही बना है। तो अब हम फर्दर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि इसको रोज और कॉलम में डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम्स की सी एस एस प्रॉपर्टी, ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स। तो 2px 200px 200px 2px, इसका मतलब यह है कि एक रो में आपके तीन कॉलम बनेंगे और बाकी जो कॉलम होंगे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कि ये कितनी डिव्स हैं, ये पहली तीन डिव्स पहली रो में बनेंगी और सब की वे, और वो कितनी बनेंगी, 200 200 पिक्सल की, ठीक है। क्योंकि हर जो कॉलम होगा 200 पिक्सल का होगा और हर डिव उसके अंदर एक आएगी। तो बाकी जो दो फोर्थ एंड फिफ्थ शिफ्ट जो डिव्स होंगी वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे तीन बताया हुआ है कॉलम बनने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नीचे जो डिज़ाइन है ये इस रैपर की डिव का स्टाइल है, ये रैपर की जी डिव है, बताते खुद ये कैसी नजर आएगी, उसका बॉर्डर होगा, उसका रेडियस और बैकग्राउंड कलर क्या होगा। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी की वीडियो में डाली थी, वो कर्व देती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस किया तो ये आप जरा चेक कर सकते हैं, ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 200px का कॉलम बना, उसके अंदर ये एलिमेंट आ गया, डिव जो पहली डिव थी वन, ये टू जो डिव थी वो 200px का कॉलम बना, ये तीसरा, और ये तीन वैल्यू दी थी हमने। तो इसका मतलब ये था कि आपकी ये बाकी जो दो डिव होंगी वो नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये एक रो है और उसमें कितने कॉलम है, तीन। इसी तरह से चूंकि बाकी छठी डिव तुम्हारे पास थी नहीं, तो ये इसका खाना खाली रह गया। तो इट इज़ अनदर वे टू क्रिएट योर पेज लेआउट, ग्रिड लेआउट। होप सो आप इसको समझ गए होंगे। फर्दर एग्जांपल्स की हम डिस्कस करेंगे आगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।